हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट टू। मैंने बताया था इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने करंट, वोल्टेज, जो भी डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, एंड दैट वीडियो वॉज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आज के वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के ऊपर से आप दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। इंफॉर्मेशन बहुत कम है और इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज से। व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली चार रेजिस्टेंसेस का एक स्पेशल कॉन्फिगरेशन है एज शोन इन फिगर। ये जो चारों रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट करी जा सकती है कि बी और डी के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो जाए। और अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो बी से डी की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट आईजी पॉसिबली जा सकती है वो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उस पर्टिकुलर सेटिंग के ऊपर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर क्या क्या होगा, एक तो बी और डी का जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, या फिर आपकी जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसके अंदर करंट जो है वो जीरो हो जाएगी, या फिर अब ध्यान देना कि ये इसमें इन रेजिस्टेंसेस का क्या योगदान है, या फिर इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। अब जब भाई साहब कोई करंट जाएगी ही नहीं तो इस ब्रांच को गायब किया जा सकता है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और जो आएंगे वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो R1 + R3, इन दोनों को ऐड कर दो R2 + R4, और ये दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल का अपन कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इनको ऐड कर दिया, तो ये R1 + R2 + R3 + R4 आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद ना भी रहे तो आप तो ये ध्यान रखना है कि इस ब्रांच को गायब करना और फिर सर्किट को सॉल्व करना है, राइट। अब इसके बहुत सारे अलग अलग जो वेरिएशंस हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे इसका एक वेरिएशन ऐसा दिखाई देता है जिसमें इस तरीके से बनाया जाता है इसको, ठीक है, ये ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस दे दिए जाते हैं, एक यहां पर कनेक्ट हो जाता है, एक यहां पर कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ये भी बेसिकली क्या बन रहा है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज ही बन रहा है। इसमें इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो आप इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। एक इसका जो ट्रायंगल वाला वेरिएशन है वो आपको दिखाई देगा, तो उनको क्वेश्चंस के अंदर हम कंसीडर करेंगे, राइट। बट व्हीट स्टोन ब्रिज, जब भी बहुत सारे रेजिस्टेंस वाला सर्किट आ जाए ना आपके सामने क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहले चेक करना कि कहीं वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, और क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा अगर वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो, राइट। इस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है आपका दूसरा स्पेसिफिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज जो डिवाइस है इसका यूज लिया जाता है एक अननोन रेजिस्टेंस, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कैसा होता है ये, केवल और केवल एक मीटर लंबा सीधा साधा सिंपल वायर होता है, राइट। और इसको नॉर्मली बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, तो ये इसका प्राइमरी सर्किट हो जाता है। फिर इसके अंदर दो गैप्स मिलेंगे आपको, राइट। पहले वाले गैप के अंदर हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं जिससे हम जितनी चाहें उतनी वैल्यू का एक नोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। और यहां पर हम उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसको एक्स लिख दिया मैंने, एक्स का मतलब है हमें पता नहीं उसका रेजिस्टेंस कितना है। बीच में गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं और उसको इस वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टच करवाते हैं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो बैलेंस कंडीशन होती है, मतलब उस कंडीशन पे अपन रीडिंग लेते हैं। तो मान लो वो पॉइंट हमें इस एंड से, ध्यान रखना किस एंड से, जिस तरफ अपनों ने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करा है उस एंड से हमें कितनी डिस्टेंस के ऊपर मिलता है, एल डिस्टेंस के ऊपर मिलता है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी वो पक्का कितनी हो जाएगी, 100 - L हो जाएगी। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग इसका और इस टुकड़े का रेजिस्टेंस, इसका और इस टुकड़े का रेजिस्टेंस, इनका रेशियो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं।
तो आर को एल से डिवाइड कर देंगे, एक्स को 100 माइनस एल से डिवाइड कर देंगे, और फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल टाइम्स आर। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वायर जो है वो जानबूझ के हमने ऐसा लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है, ताकि रेजिस्टेंस केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करे, लेंथ के ऊपर डिपेंड करे। दूसरा, हमने जो लेंथ मेजर करी है वो किस एंड से मेजर करी है, रेजिस्टेंस बॉक्स वाले एंड से मेजर करी है, तब जाके ये फॉर्मूला वर्क करेगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूले को याद करने की बजाय अपना व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसको अच्छे से सीख लो, फिर किसी भी तरीके का मीटर ब्रिज का क्वेश्चन हो आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि अक्सर इसके क्वेश्चनों में चेंज करने के लिए बोलते हैं कि इस रेजिस्टेंस को उठा के इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, इसके पैरेलल कुछ कनेक्ट कर दिया, इसके सीरीज कुछ कनेक्ट कर दिया। तो आप तो व्हीटस्टोन ब्रिज ध्यान रखो, राइट, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो स्पेसिफिक सर्किट हमारे काम में आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर भी एक सीधा सादा सिंपल सा लंबा वायर होता है। लंबा इसलिए रखा जाता है ताकि आप इस पोटेंशियोमीटर को और ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बना सको, राइट। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना आप लेंथ बढ़ाओगे पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो बहुत लंबा वायर होता है, इतना लंबा वायर होता है कि आपने लैब के अंदर देखा होगा कि उस वायर को इस तरीके से एक एक मीटर के सेक्शन के अंदर लपेट के रखा जाता है, ताकि आपका जो डिवाइस है वो बहुत बड़ा ना हो जाए साइज के अंदर। तो नॉर्मली जो लैब के अंदर पोटेंशियोमीटर आपकी स्कूल्स के अंदर रखे हुए हैं उस पर 10 मीटर लंबा वायर होता है, बट इन जनरल हम कितनी भी लेंथ का वायर ले सकते हैं, बस लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर हैविंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट वी। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप कहां से आएगा, हम इस वायर को एक प्राइमरी सेल से कनेक्ट कर देंगे यूजिंग अ रियो स्टेट। रियो स्टेट का पर्पज ये है कि हम जितना मन चाहा वोल्टेज जो है वो उस पोटेंशियोमीटर के वायर के ऊपर ड्रॉप करवा सकते हैं, राइट। अभी आप सर्किट्स के अंदर देखोगे, तो अगर हमें ये सारी की सारी चीजें पता पड़ जाए तो हम सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ, यानी कि वी डिवाइडेड बाय एल। कई बार हमें वी नहीं दिया जाता, रेजिस्टेंस दे देते हैं और हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करके, ठीक है, तो आई आर डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। कई बार हमें L भी नहीं दिया जाता तो R को हम लिखेंगे रो L अपॉन A, L से L कट जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, अगर V और L दे दिया जाए तो ये, I R और L दे दिया जाए तो ये, I रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया जाए तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का तरीका है। तीनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रहने चाहिए, राइट। अब इस पोटेंशियोमीटर के जो डिफरेंट सर्किट्स हैं, वैसे तो कैसा भी सर्किट बनाया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, हम क्वेश्चन के अंदर इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देखेंगे, बट जो स्टैंडर्ड सर्किट है वो ये तीन है। पहला, इसके अंदर हम सिंपल पोटेंशियोमीटर को एक प्राइमरी बैटरी और रियो स्टेट से कनेक्ट कर देंगे ताकि इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवा सके। फिर पोटेंशियल ड्रॉप करवाने के बाद में हम एक और बैटरी लेंगे, ध्यान रखना इसका हायर टर्मिनल और इसका हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल एक ही जगह कनेक्ट होना चाहिए। दूसरे को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जिस पे गैल्वेनोमीटर के अंदर होने वाला जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाए। उस कंडीशन पे, क्योंकि ये एंड तो दोनों सेम जगह कनेक्टेड है और इसके अंदर भी करंट फ्लो नहीं हो रही पक्का, इनका भी एंड जो है उनका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये जो ईएमएफ है वो इस एल लेंथ के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। अब आपने बोला था कि सर पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो तो एक्स के इक्वल होता है, तो एल लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टाइम्स एल के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टाइम्स एल के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मैंने ईएमएफ क्यों लिखा, टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं लिखा, उसका कारण जान लो। क्योंकि हमने जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया और बैलेंस पॉइंट ढूंढा, तो आपने नोटिस किया होगा कि उस बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर इस सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है इसलिए दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, EMF के इक्वल हो जाएगा। इनफैक्ट जो पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आइडियल वोल्टमीटर को आप किसी डिवाइस के अक्रॉस कनेक्ट करो तो वो उस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल तो मेजर करके दे ही दे, साथ ही साथ में उस डिवाइस से जीरो करंट ड्रॉ करे। जीरो करंट ड्रॉ करेगा
केवल और केवल तब जब उस खुद पोटेंशियोमीटर का या खुद वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाए। तो वो कंडीशन आपको यहाँ पर वर्क होते हुए नजर आ रही है। आपने इसके अक्रॉस चुपके से पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लिया और साथ ही साथ में आपने इससे कोई करंट भी ड्रॉ नहीं करी, यानी कि एक तरीके से इस पोटेंशियोमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना कहा जा सकता है, इनफाइनाइट। तभी तो इस बैटरी की औकात नहीं थी कि ये इस पोटेंशियोमीटर की तरफ बैलेंस कंडीशन में क्या भेज पाए, करंट भेज पाए, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इसका इफेक्टिवली। सो पोटेंशियोमीटर हैज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, दैट्स वाई इट वर्क्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द डिवाइस, राइट। तो ये EMF मेजर करने के लिए एकमात्र अवेलेबल डिवाइस है फिलहाल आपके सिलेबस के अंदर जितने भी डिवाइसेज हैं, क्योंकि अगर आप वोल्टमीटर यूज करोगे तो उसको तो करंट चाहिए, और अगर वो करंट ड्रॉ कर लेगा तो फिर बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का जो इलेक्ट्रोड है वो EMF ना रह के क्या बन जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जो 12th की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, राइट। खैर, सेकेंड जो सर्किट है उसमें हम दो स्टैंडर्ड सेल लेते हैं और बारी बारी से, ये जो टू वे की है ना, इसका काम यही है कि एक बार हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, फिर एक बार इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ L1 होगी, इसको कनेक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ L2 होगी। E1 XL1 के इक्वल हो जाएगा, E2 XL2 के इक्वल हो जाएगा, तो E1 डिवाइडेड बाय E2 किसके इक्वल हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। और जो तीसरा सर्किट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कितना यूजफुल है पोटेंशियल मीटर, सोचो पोटेंशियोमीटर, राइट। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं विद अ की। इसका की का बहुत बड़ा रोल है, बाकी सारा सर्किट आपने देखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर, प्राइमरी सेल, रियो स्टेट, बाकी सारी चीजें, राइट। अब क्या होता है, हम इस एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट्स में करते हैं। एक बार की को रखते हैं ओपन, अगर की को ओपन रखेंगे तो इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल एक सेल है और आप लेंथ L1 मेजर करते हो, तो E किसके इक्वल हो जाएगा, XL1 के इक्वल हो जाएगा। और फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, E को क्लोज करके सेम काम करते हो, तो इधर से इधर तो करंट नहीं जाएगी बट आपस में इस लूप के अंदर तो करंट फ्लो होगी, और जैसे बैटरी से करंट फ्लो होने लग जाएगी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सीन में आ जाएगा, राइट। बहुत आसान सा सर्किट, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने पे आपको मिलेगा वो L1 - L2 डिवाइडेड बाय L2 टाइम्स इस नोन रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा। व्हाट इज L1? इट इज लेंथ व्हेन की वाज ओपन, एंड L2 इट इज लेंथ व्हेन की इज क्लोज्ड। बस ये ध्यान रख लेना, L1 जब की ओपन थी यानी कि रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं था, और L2 जब की क्लोज्ड थी यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी। सो ये फॉर्मूला आपके डायरेक्ट काम में आ जाएगा, अदरवाइज मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर जो सर्किट्स के साथ खेलना सीखा था उसको अगर आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो तो आप किसी भी तरीके का पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन कर सकते हो। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अब ये चीज आपको पता चलेगी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, बेसिकली उसके अंदर एक मूविंग कॉयल होती है, जैसे आप करंट फ्लो करते हो उसके अंदर डिफ्लेक्शन जनरेट होता है, वो रोटेट करती है कॉयल, राइट। और वो जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट यानी कि बहने वाली जो करंट है गैल्वेनोमीटर के अंदर से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप एक स्केल डिजाइन करते हो और आप डिफाइन कर देते हो कि इस स्केल का पूरा डिफ्लेक्शन जितने भी है, 30 है तो 30, 40 है तो 40, जितने भी डिविजन्स हैं उनको कवर करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा इतनी करंट पास हो सकती है। तो अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के तौर पर आपको दो चीज़ें बताई जाएगी। एक तो बताया जाएगा कि इसको मैक्सिमम करंट कितनी चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, और इस गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है। अब आपको एक गैल्वेनोमीटर दे दिया, गैल्वेनोमीटर एक केवल और केवल ऐसा डिवाइस है जिससे आप करंट फ्लो करोगे तो करंट के प्रोपोर्शनल स्केल, करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन आपको दे देगा। आप इसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और चाहो तो वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एमीटर के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना, छोटी क्लासेस की चीजें हैं। एमीटर को हमेशा डिवाइस के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जिसको शंट बोलते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर था, इसके पैरेलल में
मैंने एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो डब्बा है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एमिटर की तरह बिहेव करेगा। इस शंट की वैल्यू डिसाइड करेगी कि हम जो एमिटर बना रहे हैं उसकी रेंज कितनी है, या यूं कह लो कि हम जितनी रेंज का एमिटर बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं विथ दिस वैल्यू एस। तो एस की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आई जी टाइम्स कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ध्यान से सीख लो, आई जी का मतलब है करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है। जी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये भी गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी, इन दोनों को आप नहीं छेड़ सकते। आई ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, डिजायर्ड रेंज, आप कितनी रेंज का एमिटर बनाना चाहते हो। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना शंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान रखना वोल्टमीटर को डिवाइस के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। तो ये कोई डिवाइस है, इसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, तो आपने गैल्वेनोमीटर को इससे कनेक्ट कर दिया, उसकी सीरीज में एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, उसका नाम भी अपन ऐसे ही रख देते हैं। अब बेसिकली आपको जो रेंज है कि आप कितना वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा मेजर करना चाहते हो वो आपको डिसाइड करनी है, तो आप आसानी से शंट चूज सकते हो कि चूज कर सकते हो कि कितनी वैल्यू का शंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो एस की वैल्यू आएगी वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, यहां पर वी डिजायर्ड रेंज ऑफ वोल्टमीटर है कि आप कितनी रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाहते हो। आई जी और कैपिटल जी के बारे में तो मैंने बता ही दिया, मैं वापस से कंक्लूड कर देता हूँ। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एमिटर को हमेशा डिवाइस के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमिटर बनाने के लिए शंट को हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एमिटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और आइडियल एमिटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना माना जाता है, जीरो माना जाता है। चलो वोल्टमीटर के बारे में बात करते हैं। वोल्टमीटर को डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई हो सके उतना हाई होना चाहिए, नॉर्मली बहुत हाई होता है। और एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और पोटेंशियोमीटर किसकी तरह बिहेव करता है, एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब लिटरली इतनी कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। नहीं मानोगे मेरी बात, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस शोन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज। अब यहां पे आप इस सर्किट को जब सॉल्व करने जाओगे तो यहां पे आप देखोगे कि यार ना तो ये सीरीज के अंदर है ना ही ये पैरेलल के अंदर है। अब यहां पे आप दिमाग लगाओगे, मैंने आपको बोला था कि जब भी बड़ा सर्किट मिला ना तो देखने की कोशिश करना कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन तो नहीं बन रहा। तो आप पहले ना इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले हिस्से को देखो, आप देख रहे हो कि यार हाँ व्हीट स्टोन जैसी स्ट्रक्चर तो बन रही है। फिर चेक करो कि क्या इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल है। आप देखो कि यार ये तो इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। ऐसे तुम इस वाले हिस्से को देखो, इसमें देखोगे तो आपको नजर आएगा यार बाकी इसका और इसका जो रेशियो है वो इसके और इसके रेशियो के इक्वल है, यानी कि बैलेंस व्हीट स्टोन है, यानी कि इस बीच वाली ब्रांच को क्या किया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। अब तो आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे आप इन दोनों को गायब कर दोगे तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, और दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो फटाफट से करें, 5 और 10 15 15 और 15 30, ऐसे यहाँ पे 30 और 20 50 और 10 60। तो इस तरीके का सर्किट रिड्यूस हो गया, ऊपर तो 30 ओम रह गया और नीचे 60 ओम रह गया। और अब इनका पैरेलल सॉल्व करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 और डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60, यानी कि 90, जीरो से जीरो गया, ठीक है। या 30 से 3 टाइम्स कैंसिल कर दो और 3 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 ओम जो है वो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो पहचानना है आपको, बस यही खेल है पूरा का पूरा यार। कंसेप्ट बहुत आसान है, नजरें जो है वो शार्प होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर
विल बी। अब देखो इस वोल्टमीटर की रीडिंग आपसे पूछी गई है, यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया गया है, देखना क्या क्या चीजें लगाई गई है। इधर एक बैटरी 12 वोल्ट की यहां पर है, ये रियोस्टेट है, एक 40 सेंटीमीटर का जो वायर है वो यहां से गुजर रहा है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना है, जीरो है। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि इस 40 सेंटीमीटर की जो लेंथ है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 4.8 वोल्ट है। कितना है, 4.8 वोल्ट। तो जो ये 60 सेंटीमीटर की लेंथ होगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो आप कहना चाहते हो कि 4.8 वोल्ट इतना पोटेंशियल किसके अक्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, 40 सेंटीमीटर के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से ये x की वैल्यू आ गई, कितना आ गया x, 4.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इस लेंथ के अक्रॉस, इसका नाम अपन l रख देते हैं, वोल्टेज अक्रॉस लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप x को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, l से। x की वैल्यू है 4.8 डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर और l की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। जीरो से जीरो चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चार से ये 4.8 कैंसिल हो जाएगा 1.2 टाइम्स, और 6 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 7.2 वोल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि वायर के अक्रॉस पर यूनिट लेंथ होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया गया इस क्वेश्चन में, जो कि आप आसानी से ले सकते हो यहाँ से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 4 ओम एंड अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम, वायर का खुद का रेजिस्टेंस 5 ओम है और लेंथ 5 मीटर है, आर जॉइंड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। यानी कि ये ऊपर वाला सर्किट डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया, कोई टेंशन नहीं। अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स इज बैलेंस्ड अक्रॉस 300 सेंटीमीटर ऑफ वायर, द ईएमएफ ऑफ ई of each cell is। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कनेक्ट होगी, फटाफट से कनेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो दो सेल्स को किसमें कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में, और दोनों सेम है, तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो भी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल ही होगा। पहली चीज तो ये होगी, इसके इक्वल होगा, ई के ही इक्वल होगा। और पोटेंशियोमीटर की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ई जो है ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एक्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कितनी लेंथ पर बैलेंस किया गया है, ये 3 मीटर पर बैलेंस किया गया है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये x इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर की कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो भी e होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो अपनों को ये e फाइंड आउट करना है। अब इस e को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, x की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आते हैं। हमें देखो वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, राइट, और क्या दिया हुआ है हमें, वायर की लेंथ दी हुई है। अगर हम कैसे भी करके करंट फाइंड आउट कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। और करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो 1 ओम खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो टोटल कितना हो गया 5, और 5 ओम इसका वायर का रेजिस्टेंस है, तो टोटल कितना हो गया 10। तो जो करंट फ्लो होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। और अगर करंट 1 एम्पियर है तो x की वैल्यू होती है I इंटू आर डिवाइडेड बाय L, I हो गया 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम और लेंथ हो गई 5 मीटर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 वोल्ट पर मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही 1 यहां पर रखोगे तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट। कर दोगे ये क्वेश्चन आसानी से, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान होते हैं, आपकी जो नॉलेज है वो, इनफैक्ट पिछले वीडियो की नॉलेज जो है वो ज़्यादा काम में आएगी। सिंपल सिंपल सी कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इतना होता है, आई आर फलाना का ये जो फॉर्मूलाज है, राइट, बस थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है ना, इसलिए कनेक्शन के अंदर मुश्किल होती है, उसी की प्रैक्टिस मैं करवाना चाहता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन फिगर बैटरी ई इज बैलेंस्ड ऑन 55
सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, बट व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द बैटरी देन इट बैलेंसेज ऑन 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ करता था L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 टाइम्स R. अब बस क्वेश्चन से आपको ये पहचानना है कि L1 क्या है और L2 क्या है. तो मैंने बताया था जब आपका की ओपन होता था यानी कि केवल और केवल बैटरी को बैलेंस करते थे तो लेंथ कही जाती थी L1. तो यहाँ पे भी कही रखा है कि वन बैटरी E इज बैलेंस्ड ऑन 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, तो L1 तो आपको कितना दे रखा है, 55 सेंटीमीटर दे रखा है. बट व्हेन अ रेजिस्टेंस R आपको दे दिया कितना, 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द बैटरी देन इट बैलेंसेज ऑन 50 सेंटीमीटर, यानी कि L2 कितना हो जाता है आपका 50 सेंटीमीटर. सारी चीजें मिल गई, सारा मसाला मिल गया, तो ये हो जाएगा 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 टाइम्स रेजिस्टेंस कितना है 10. तो ऊपर रह जाएगा 5, नीचे रह जाएगा 50 इंटू 10, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, 1 ओम जो है वो आपका आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. आसान क्वेश्चन है, अब तो लग रहे होंगे आसान पोटेंशियोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 7 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो अगेन ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इतने सारे रेजिस्टेंसेज है ना, तो सबसे पहले तो देखो कहीं सीरीज पैरेलल बन रहा है क्या. तो आप देखो तो गड़बड़ रही हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डेल्टा या स्टार कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, राइट. मैं बड़े भारी भरकम वर्ड यूज नहीं करूंगा अभी. खैर, तो फिर मैंने दूसरा आपको बताया था कि नीट का क्वेश्चन है, तो आप सीधा सीधा ये देखो कि कहीं किसी ना किसी तरीके से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन तो नहीं बन रहा. तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ए को ले लेता हूं यहां पर, राइट, और यहां पर मैं ले लेता हूं बी को. अब मैं देखता हूं ए से कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है. तो ये 10 और ये 10, ये दोनों तो पैरेलल है, तो 10 और 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा 5. तो ए से एक तो कनेक्टेड है 5 ओम का रेजिस्टेंस, इसको मैंने यहां से उठा के यहां पे बना दिया, राइट, 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया. ऐसे ही ए से एक दूसरा कनेक्टेड है कौन, 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस. अच्छा, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको मैं सी नाम दे देता हूं, दे सकता हूं, चलो सी नाम दे दो. तो ये सी से कनेक्ट हो गया. अब यहां पे देखो, यहां ये जो मैंने सर्किट उठा के लगाया था यहां पर, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी. तो ये किससे कनेक्ट हो गया, ए से डी के बीच में. यहां तक की बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो डी और सी के बीच में कौन कनेक्ट है, डी और सी के बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी समझ में आ गया होगा. डी और ये पूरा का पूरा बी है, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये पूरा का पूरा बी है. तो डी और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये लो भाई साहब 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया. और इन दोनों का एक एंड बी पर है, एक एंड सी पर है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और 6 और 6 का पैरेलल इनका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3. तो बी और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज 3 ओम. यहां तक की बात आपको समझ में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं रिड्यूस कर रहा हूँ सर्किट को, दोबारा से रिड्रॉ कर रहा हूँ, और जैसे ही आप ये रिड्रॉ कर लोगे तो आपको एक जाना पहचाना चेहरा नजर आएगा, मेरा नहीं, आपको इस सर्किट का जाना पहचाना चेहरा नजर आएगा, राइट. और वो जाना पहचाना चेहरा क्या है, कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल है, इसका मतलब है इस ब्रांच को आप गायब कर सकते हो, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 8 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 8 ओम हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो 4 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. आ रहा है समझ में, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 40 ओम एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट. ये प्राइमरी सर्किट को डिस्क्राइब किया गया है. नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इफ अ सोर्स ऑफ अननोन EMF E इज बैलेंस्ड बाय 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर द वैल्यू ऑफ E इज. देखो E की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, X इंटू L के इक्वल होगी. L हमें दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, अब रही सही बात है केवल और केवल किसके ऊपर, X के ऊपर,
एल तो कितना दे दिया गया है हमें 40 सेंटीमीटर, तो हमें कुल मिला के एक्स निकालना है। अब देखो हमें वायर की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है 100 सेंटीमीटर। हमें वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना है 10 ओम, और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर, वो तो खैर डिस्क्राइब करने। तो x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, आई टाइम्स आर डिवाइडेड बाय एल। आर आ गया, एल आ गया, भाई सब केवल और केवल एक चीज बची हुई है, दैट इज आई। वो कहां से निकालेंगे, इस सर्किट को पकड़ लो, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस तो जीरो है, ये रेजिस्टेंस कितना है आपको दे रखा है 40 ओम, राइट। और इस पूरे के पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 ओम। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वोल्टेज तो है 2 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 50 ओम, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 20 एम्पियर आ जाएगी। अब अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू तो हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 10 और लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब ई की वैल्यू निकालते हैं अपन, ई हो जाएगा एक्स, एक्स का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, और एल है आपका 40 सेंटीमीटर। इससे और इससे ये 100 के दो जीरोस चले जाएंगे केवल और केवल, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी चला जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 20 बचेगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.2 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं अपनों से कुछ गलती तो नहीं है। एक तो ये 40 सेंटीमीटर है ना यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, वापस से चेक करते हैं। आर अपनों को कितना दे रखा है 40 ओम और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है अपनों को 10 ओम, टोटल हो गया 50, टोटल वोल्टेज है 2 वोल्ट, 2 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 25 आएगा। यार मैं बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करने लगा हूँ आजकल, मेरा कैरियर खतरे में है। 1 डिवाइडेड बाय 25, राइट, चलो इसको करेक्ट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाय 25 कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली इसको काटते हैं यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। चलो तो ये बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए, सबसे पहले तो पॉइंट लगेगा 4 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे फटाफट से, कितना आएगा आपका, अगर अपन पॉइंट लगाएंगे तो 40 कर सकते हैं, 40 होते ही 25 एक बार चला जाएगा, फिर बचेगा आपका 50, तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 0.16 वोल्ट, हाँ है अपना आंसर, राइट, 0.16 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के फंडा इतना था कि E इज इक्वल टू एक्सएल था, कोई दिक्कत नहीं है, L हमें दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, X हमें फाइंड आउट करना था जिसका फॉर्मूला आई आर डिवाइडेड बाय L लगाना है, क्योंकि R और L हमें मिल रखे थे, मिसिंग पीस था करंट I, सर्किट हमने पकड़ा, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल वोल्टेज से उसको डिवाइड कर डाला और फाइनली करंट निकाला, और करंट का हेल्प लेते हुए हमने X की वैल्यू निकाली और X को यूज करके हमने फाइनली क्या निकाल लिया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। कैलकुलेशन अगर मेरी तरह गलतियां नहीं करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा आसानी से, आई होप यू आर फास्टर देन मी इन कैलकुलेशन, राइट, मेरे को बड़ा जोर आता है कैलकुलेशन करने में। फॉर चेंजिंग द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर विद जी ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम वी वोल्ट टू एन टाइम्स वी वोल्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू इट, राइट। फॉर चेंजिंग द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर विद जी ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम वी वोल्ट, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो वी वोल्ट तक का ही काम चला पा रहा था आपसे, उसको आप n टाइम्स v वोल्ट पर लेके जाना चाहते हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था s इज इक्वल्स टू v अपॉन ig माइनस g, शुरुआत में आपने कोई रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट नहीं किया, यानी कि s की वैल्यू जीरो रख दी, v अपॉन ig माइनस g, तो v सिंपली किसके इक्वल हो गया, आई जी इंटू जी के इक्वल हो गया। फिर
नेक्स्ट कंडीशन में आपने एस वैल्यू का एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, डिजायर्ड रेंज जो है वो एन टाइम्स वी कर दी, ये तो गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी होती है, चेंज होगी नहीं, ये गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी होती है, चेंज होगी नहीं, वी की वैल्यू अपन रखते हैं एन टाइम्स आई जी टाइम्स कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई जी एंड माइनस जी, आई जी से आई जी चला गया, जी कॉमन ले लेते हैं एन माइनस वन, तो इतनी वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है एन माइनस वन टाइम्स जी, ये आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, इसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन को पकड़ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड द ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज ई वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है, डेटा कलेक्ट करते चलते हैं, वो कितनी दे रखी है हमें 100 सेंटीमीटर दे रखी है एंड ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज ई वोल्ट, इसको जिस प्राइमरी सर्किट से कनेक्ट किया गया है उसमें ई वोल्ट है। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है बैटरी का 0.5 ओम। इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट एल इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर पर आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, फ्रॉम द पॉजिटिव एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज। अब देखो क्वेश्चन में कितना शानदार तरीके से आपको बरगलाया गया है, कंफ्यूज किया गया है। अगर आप इसका थोड़ा सा सर्किट बनाने की कोशिश करोगे तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसको एक ई वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर आपका एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, बट बैलेंस कंडीशन में तो कोई करंट फ्लो होता ही नहीं, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई लेना देना ही नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो ये लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ई जो है वो सीधा सीधा, ई का मतलब है ईएमएफ बैटरी का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टाइम्स एल के इक्वल हो जाएगा, एल तो आपको मिल रहा है, अब रह गई बात किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज अक्रॉस वायर ई, टोटल लेंथ ऑफ द वायर 100 सेंटीमीटर और आपकी जो लेंथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जीरो से जीरो गया, 3e डिवाइडेड बाय 10, ये आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, या फिर 30e डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये केवल और केवल इंटरनल रेजिस्टेंस की जो बात करी गई है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए करी गई है, ताकि आप ईएमएफ की जगह टर्मिनल वोल्टेज जो है उसको कनेक्ट करवाते फिरो और उलझ जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मीटर ब्रिज ऑफ एसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एक्स। ठीक है, वॉट वुड बी इट्स वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द वायर ए बी इज डबल्ड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, रेडियस डबल कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो तो अभी तो हमें पता है कि आर वन डिवाइडेड बाय ये जो एक्स लेंथ का वायर है, इसका रेजिस्टेंस बेसिकली होगा रो टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल्स टू आर टू डिवाइडेड बाय रो टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए। रो से रो कट जाता है, ए से ए कट जाता है, तभी तो ये चीज निकल के आती है आर टू अपॉन 100 माइनस एक्स। अब यहाँ पे नोटिस करो कि जब आर वन और आर टू को बैलेंस कंडीशन में हम मैनेज करते हैं तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई रोल निभाता ही नहीं है। मैंने पहले बताया था मीटर ब्रिज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बस वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो कितना है इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो उसका एरिया 4 गुना हो जाएगा, बट एरिया का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हमें हमारी बैलेंस कंडीशन जो है वो अभी भी कहाँ पर मिलेगी, एक्स डिस्टेंस के ऊपर ही मिलेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस हैज 25 डिविजन्स। A current of 4 into 10 to power minus 4 ampere gives a deflection of 1 division. तो एक division के लिए आपको इतनी current चाहिए, तो full deflection के लिए जो current चाहिए वो कितनी हो जाएगी, 4 into 10 to power minus 4 को number of division से multiply कर दो 25 से, 25 into 4 करोगे 100,
हंड्रेड का मतलब 10^2 इंटू 10^-4 यानी कि फाइनली 10^-2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/100 A खत्म। टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर हैविंग अ रेंज ऑफ 25 वोल्ट, डिजायर्ड रेंज कितनी है आपकी 25 वोल्ट, इट शुड बी कनेक्टेड विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ, कितने रेजिस्टेंस है, जी आपको कितना दे रखा है 50 ओम दे रखा है। अब तो क्वेश्चन आपके हाथ में, एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, वी कितना है 25, आई जी कितना है 1/100, तो 100 चला जाएगा ऊपर, माइनस जी कितना है 50, तो 2500 में से 50 को माइनस करेंगे तो 2450 इतने हो, मैंने पहले ही बताया था बहुत हाई वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करना है, राइट। आगे समझ में, ये ऑप्शन अगर यहाँ पे 0 लगाया जाता ना तो और अच्छा हो जाता, फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं सीरीज में कनेक्ट करना है पैरेलल में, पोटेंशियोमीटर में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वैल्यू तो आपने निकालेंगे, राइट। सो दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी फॉर यू। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस एस ओम टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज, तो इस क्वेश्चन को अपन जैसा जैसा कह रहे हैं ना वैसा वैसा फॉलो करते हैं, कि सबसे पहले आपका केवल और केवल गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, फिर आपने छेड़छाड़ी करी और गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया, एक रेजिस्टेंस एस कनेक्ट कर दिया यहां पर, राइट। अब जब आप ऐसा करोगे तो ओवरऑल आपका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, यहां तो ऑनलाइन रेजिस्टेंस कितना था जी था, और यहां पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जी इंटू एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस हो जाएगा, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो आपकी करंट जो है ओवरऑल जो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर घुस रही थी वो करंट क्या हो जाएगी हैवीली चेंज हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि मेन करंट जो है वो सेम रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हो और फिर शंट एस कनेक्ट करते हो, और इस उम्मीद में कि अब की बार इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, ताकि आपने इतना सब कुछ छेड़छाड़ किया, शंट भी कर दिया, रेजिस्टेंस भी लगा दिया, बट ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहा, और ओवरऑल रेजिस्टेंस सेम रहा तो आपकी करंट भी जो है वो सेम रहेगी, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एस और ये जी प्लस आर ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल में है, तो एस टाइम्स जी प्लस आर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, यानी कि एस प्लस जी प्लस आर ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ओवरऑल जी के इक्वल हो जाना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, इधर तो आ जाएगा एस जी, इधर आ जाएगा एस आर, इधर आ जाएगा एस जी प्लस जी स्क्वायर, और आर को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आर टाइम्स जी। आप नोटिस कर रहे हो एस जी से एस जी कैंसिल हो रहा है, इस आर जी को इधर ले आते हैं तो आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा एस माइनस जी, और इधर रह जाएगा अकेला जी स्क्वायर, यानी कि जो आर रेजिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर अपॉन एस माइनस जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल, द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट एंड ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज 4 मीटर लॉन्ग, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल हैज वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। तो देखो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने का मतलब है, आप समझ गए होंगे ना, अपन वो की वाला जो केस था, थर्ड जो सर्किट था उसकी बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने का मतलब है आपने उस की को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, और एक बार उसकी वैल्यू रख दी 9.5, then the balancing lengths on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is. अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऊंची दुकान फीकी भगवान का, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना है, इतनी सारी क्वांटिटीज दी, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितना ही भयंकर क्वेश्चन होगा, जबकि अगर जब आप इसको डिकोड करोगे तो आप देखोगे यार हमें रास्ती से L1 की वैल्यू दे दी गई है 3 मीटर, L2 की वैल्यू दे दी गई है 2.85 मीटर और R की वैल्यू दे दी गई है दैट इज 9.5 ओम, और हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि क्यों ये L1 है, क्यों ये L2 है और क्यों ये R है। स्मॉल R जो होता है वो किसके इक्वल होता है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2
टाइम्स कैपिटल आर के इक्वल होता है, देखो एल वन कितना है आपका 3 माइनस 2.85 डिवाइडेड बाय एल टू दैट इज 2.85, ठीक है, टाइम्स आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 9.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 में से जब 2.85 आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 0.15 डिवाइडेड बाय 2.85 इनटू 9.5। यहां पे भी दो डिजिट्स हैं, यहां पे भी दो डिजिट्स हैं तो पॉइंट्स हट जाएंगे। एक बार 15 से डिवाइड करके देखो तो 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक बार चला जाएगा, यहां पे 1, फिर बचेगा आपका 5 and 8 13 135 यानी कि 9, और 9 से 19 9.5 को कैंसिल आउट करोगे तो 0.5 बचेगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए 0.5 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो केवल और केवल आपको डराते हैं और जो डर गया मर गया क्वेश्चंस के अंदर, वो नहीं कर पाएगा इस तरीके के क्वेश्चन, अदरवाइज तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी ओम एंड द रेंज इज 1 वोल्ट, यानी कि हमें वी दे दिया गया है 1 वोल्ट और हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी दे दिया गया, राइट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट इज, राइट। तो अब हमें इसको क्या करना है, 10 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को अपन डिकोड करते हैं, दो अलग अलग तरीके से लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, तो ये तो पहली वाली रेंज हो गई और ये दूसरी वाली रेंज हो गई, हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन, कुछ वैसा ही क्वेश्चन। ये जी और आई जी जो होते हैं ना, ये गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टीज होते हैं, तो ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो पहले केस में आपका जो S है आपने कुछ किया ही नहीं, सीधा सीधा गैल्वेनोमीटर उठाया और उसका वोल्टेज का जो रेंज है वो मेजर कर लिया, तो S की वैल्यू जीरो रही, तो जीरो वी की जगह रख दिया, वन अंदर रख दिया आई जी और माइनस जी, तो इससे आप देखोगे कि जी जो है वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, 1 upon IG के इक्वल हो जाएगा। पहली चीज आपको पता पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, या आई जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 upon G के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें जी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। फिर दूसरे केस में हमने क्या करा, एस वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी की जगह हमने कितना रख दिया, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी, और 1 upon IG की वैल्यू किसके इक्वल है, खुद जी के इक्वल है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 10G - G, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9G। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले भी करा था ना अपने एंड टाइम सी वाला क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वोल्टमीटर ऑफ 998 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट having internal resistance of 2 ohms, the error in measuring EMF will be। तो देखो, आप जब वोल्टमीटर का सहारा लेते हो तो वोल्टमीटर से करंट फ्लो होती है, और वोल्टमीटर से करंट फ्लो होती है उसकी वजह से आप उस वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाते जो आपको मेजर करना चाहिए, बेसिकली आप टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हो। तो आपने क्या करा, ये आपने EMF लिया 2 वोल्ट का, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, बट इस वोल्टमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 998 ओम है। अब ध्यान देना, आप बेसिकली क्या मेजर कर रहे हो, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होता है, ई माइनस आई स्मॉल आर के इक्वल होता है, और आई किसके इक्वल होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं, ई कितना है 2 वोल्ट, हमने बाहर से कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 998, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि 2 divided by 1000, और इसको यहां पर रखेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई दैट इज 2 माइनस आई यानी कि 2 divided by 1000 times 2 यानी कि 2 minus 4 divided by 1000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000 माइनस 4 करेंगे तो 1996 divided by 1000, ये वोल्टेज आ जाएगा हमारा, इतना वोल्टेज हमारा जो वोल्टमीटर है वो मेजर करके दे देगा। ऑब्वियसली
ये तो 2 वोल्ट के इक्वल नहीं है, ओरिजिनली तो हमें कितना मेजर करना चाहिए था इसका ईएमएफ, 2 वोल्ट मेजर करना चाहिए था, बट हम तो 1.996 वोल्ट इतना मेजर कर रहे हैं, तो एरर जो है वो कितनी हो जाएगी, 2.000 में से 1.996 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 0.004 इतनी आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। द एरर इन मेजरिंग ईएमएफ विल बी, और इसको आप लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 4 × 10⁻³ वोल्ट। देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ जाएगा, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को फॉलो करो, क्वेश्चन में कहा गया है जैसा जैसा करते जाओ, थोड़ा दिमाग ओपन रखो कि हाँ यार जब हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, जबकि इसमें यहाँ पे 990-980 दे रखा है, यानी कि वोल्टमीटर भी कुछ करंट खींचेगा, यानी कि ईएमएफ की जगह वो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा और इसीलिए एरर आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज 10 मीटर, तो वायर की लेंथ होगी कितनी, 10 मीटर, हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, आर कितना दे दिया आपको, 10 ओम दे दिया है। If a battery of EMF 2 volt and negligible resistance and a rheostat is connected to it, then potential gradient is 20 milli. का मतलब हो जाएगा 10⁻³ volt per meter. Find resistance applied through rheostat. तो अपना सर्किट जो है ना वो कुछ ऐसे बन रहा होगा, ये तो हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर रहा होगा, ये हमारी बैटरी रही होगी और ये हमारे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। बैटरी जो कनेक्ट करी है उसका ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है, और जो रियो स्टेट है उसका रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं आर, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, 10 ओम है, तो हमारे हिसाब से जो करंट आई फ्लो होनी चाहिए इसके अंदर वो कितनी होनी चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 10 प्लस आर हो जानी चाहिए, और हमारे हिसाब से जो एक्स है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, आई टाइम्स आर डिवाइडेड बाय एल के इक्वल हो जानी चाहिए, आर ध्यान रखना ये वाला रेजिस्टेंस है, चलो मैं फटाफट से रख देता हूँ, आई की वैल्यू हो जाएगी 2/10 + R, ठीक है, या तो इसको आर एच कर लिया, ठीक है ना, 2/10 + R H, ये वाला आर जो है वो कितना है, 10 है, और डिवाइडेड बाय एल, एल कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर दे रखा है, आई इंटू आर डिवाइडेड बाय एल, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी दे रखी है, 20 × 10⁻³। अब तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, 10 से 10 चला गया और 2 से ये 20 चला जाएगा, 10 टाइम्स 10 × 10⁻³ करोगे तो 10⁻², बचेगा तो 1/10 + RH, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻²। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक का हिसाब क्लियर, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1/10⁻²= 10 + RH, 1/10⁻², का मतलब है 10⁻², यानी कि 100, और 10 को इधर भेजेंगे तो आर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 ओम आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, आसान तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस गिव्स कंप्लीट डिफ्लेक्शन ऑन फ्लोइंग 10 मिली एम्पियर करंट, तो हमें एक तरीके से आई जी की वैल्यू दे दी गई है 10 मिली, यानी कि 10⁻³ एम्पियर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट सो दैट इट कैन मेजर 100 मिली एम्पियर, तो आई जो है वो कितना है 100 मिली एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी कितना दे रखा है आपको 100 ओम दे रखा है, सारा सामान मिल चुका है, एस की वैल्यू होती है आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, आई जी कितना दे रखा है हमें 10 × 10⁻³ करेंगे तो कितना बच जाएगा 10⁻², 10⁻², इंटू जी को अपन लिख सकते हैं 10⁻², 10⁻², डिवाइडेड बाय आई, आई को अपन लिख सकते हैं ये 10⁻², ये -3, यानी कि 10⁻−1, 10⁻−1 माइनस आई जी की वैल्यू हो जाएगी 10⁻−2। सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कट के ऊपर तो हो जाएगा 1,
इसको लिखा जा सकता है 1/10, इसको लिखा जा सकता है 1/100। एलसीएम आ जाएगा 100, वो चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे बच जाएगा 10, यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि 9, और जब डिवाइड करेंगे तो 1.11, ये आंसर आपको आता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन ऐसे, राइट, कन्वर्जन के जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 2 ओम, राइट, ये ओम टू गेट द बैलेंसिंग पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी। सो क्वेश्चन में आपको अननोन रेजिस्टेंस पहले बता दिया गया है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर The value of unknown resistance is 2 ohm to gauge the balancing point at 40 centimeter distance from the same end. The resistance in the resistance box will be. तो हमारा formula हुआ करता था x is equals to 100 minus l divided by l times r. अब उल्टा हो गया, हमें x दे रखा है, कितना दे रखा है 2, l दे रखा है 40, तो 100 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा 60, l हो गया 40 और r हमें find out करना है, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 × 40/60, 0 से 0 चला गया, 2 से ये 3 टाइम्स चला गया, 4/3 करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1.33 ओम, ठीक है, ओके, दिस ऑप्शन इज नॉट देयर। तो आई होप इस लाइन के अंदर कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड, सेम एंड का मतलब है कि हमें जो ये 100 माइनस एल दे रखा है ना, ये 40 है, एक बार वो भी करके देख लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। तो सेम एंड का मतलब हो सकता है आर वाले एंड से दे रखा हो, तो ऑलरेडी हमें ये वाली लेंथ दे रखी है कितनी 40, तो एल कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी टाइम्स आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 60/40, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 ओम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको पकड़ो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड का मतलब है कि नॉर्मली हम जिस तरफ रेजिस्टेंस बॉक्स और जिस तरफ एक्स लेते थे, यहाँ बीच में तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता था, तो हम नॉर्मली लेंथ यहाँ से लेते थे, राइट, और ये वाली जो लेंथ है वो 100 माइनस एल हुआ करती थी। बट अब की बार क्या करा इन्होंने, इस 100 माइनस एल की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 40 सेंटीमीटर दे दी, तो पक्का एल कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर होगी, ये हो गया उस सेम एंड का मतलब। तो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बट इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कंसेप्ट आपको पता है। रेजिस्टेंस इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली, इफ द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज 10 ओम एंड 30 ओम, तो ये 10 है और ये 30 है, ये लेंथ एल है, ये अपन मान लेते हैं 100 माइनस एल, तो 10/L इज इक्वल टू 30/100-L होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा 1000-10L, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 30L, इसको उधर भेजेंगे तो 40L, तो 1000 is equals to 40N, तो L की वैल्यू जानी चाहिए 1000/40, 0 से 0 चला गया, 25 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने सिचुएशन चेंज कर दी, 30 इधर कर दिया और 10 इधर कर दिया, तो L डैश लेंथ इधर आ जाएगी और 100 माइनस L डैश इधर आ जाएगी, यानी कि 30/L किसके इक्वल हो जाएगा, 10/100-L, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000-30L is equals to 10L आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 3000 is equals to 40L, तो L की वैल्यू आ जाएगी 3000/40, 0 से 0 चला गया और 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 28, तो 2 बचेगा 75 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि आपकी जो बैलेंस पॉइंट है पहले 25 सेंटीमीटर पर, फिर 75 पर आ रहा था, यानी कि गैप कितना हो गया इनके बीच में 50 सेंटीमीटर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन एज शोन इन फिगर, अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, द करंट फ्लोइंग इन ए एफ सी ई बी विल बी,
देखो इसमें क्या करो आप, बेसिकली ये व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक और शक्ल है एक तरीके से, राइट। कैसे, अगर आप इसको उठाओगे और इसको उठा के पटक दोगे यहाँ पे इधर की तरफ, तो आपको एग्जैक्टली क्या दिखाई दे जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आपने क्या करा, यहां से ये उठाया, ठीक है, इसको गायब कर दो और इस पूरे के पूरे सर्किट को कहां पे ले जाओ आप, दूसरी तरफ ले जाओ। तो आपने इसको उठा के यहां से कहां पे रख दिया, उठाया यहां से और आपने वापस से कहां पे रख दिया, इस तरफ रख दिया। तो ये वाला रेजिस्टेंस इधर की तरफ आ गया और ये वाला रेजिस्टेंस इधर की तरफ आ गया और जो एंड ए था वो इधर की तरफ आ गया। ऐसे इस बी एंड को भी इधर लिया था, एंड बी जो है वो इधर आ गया। अब देखो आपको वीट स्टोन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी आर है, ये भी आर है, इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के इक्वल आ रहा है, यानी कि आपका वीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, राइट। वीट स्टोन ब्रिज बन रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो, और गायब कर सकते हो फिर इसके बाद में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये आर आर दोनों सीरीज में तो 2R हो जाएगा, ये R और R दोनों सीरीज में 2R हो जाएगा, तो 2R और 2R पैरेलल में है तो वापस से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी कि A F F कहां पर है आपका, F F F कहां पर है, दिखाई नहीं है इसमें, A E होगा आई गेस जहां तक है वो, ठीक है, A E C E B, मतलब इस ब्रांच के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो करंट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, सिंपली V अपॉन R के इक्वल हो जाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, राइट। तो अपन तो इक्विवेलेंट करंट ले लेते हैं, अभी इसमें क्लियर नहीं हो रहा, डायग्राम के अंदर F नहीं रखा था तो अपन इसको ले लेते हैं। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि ये जो ट्राइंगल वाली फॉर्म है व्हीट स्टोन ब्रिज की वो आपको ध्यान में रहे, राइट। आगे समझ में, तो अगर अपन वापस से रिवाइज करें इस क्वेश्चन को, फटाफट से देख लेते हैं, बहुत सारे चेंजेस करे थे तो मैं वो सारे के सारे चेंजेस बता देता हूं आपको। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ऐसा सर्किट था आपका, इसमें एफ अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इंक्लूड करना भूल गए, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है। बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करवाया था ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये जो चीज है ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है। तो आपको इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो देखना होता है, अगर सेम होता है तो आप इसको गायब कर सकते हो और फिर व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह इसको डील कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको करके दिखाया, आप खुद भी कर सकते हो, वी अपॉन आर इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, राइट। अब ये जितने भी क्वेश्चंस थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, बट अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं इन क्वेश्चंस के जरिए हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग पार्ट था, जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स थे, उनको कवर करने की कोशिश करी है और उनके ऊपर शायद नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस जैसा ही होगा, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनके तो डेफिनेटली बाहर नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व किया करो, मैं हमेशा हर वीडियो के लिए कहता हूं, और उसके बाद में आपको अपने इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस का फायदा उठाना चाहिए। टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज अवेलेबल है प्रैप ऑनलाइन ऐप के ऊपर, एंड इट्स ह्यूजली बेनिफिटेड, इट इज ह्यूजली बेनिफिशियल, राइट। क्योंकि जब हमने मोस्ट वांटेड सीरीज डिजाइन करी थी तो कुछ इसी लाइन के ऊपर उस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया था। ध्यान रखना, मोस्ट वांटेड सीरीज आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे रही है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा ये सीरीज आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए बनाई गई है। एंड रिमेंबर, दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट फॉर चेकिंग योर नॉलेज, इट इज फॉर टेस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।